हमें फैंस से ग्रुप का अड्डा दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा लीजी उसे कह रहा होता है, हमारे एग्री किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं, तो लीजी उसे कह रहा होता है क्या तुम्हारे रिसर्च डिपार्टमेंट में ट्रेवर्स स्टोन ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं, और अभी क्या चल रहा है, क्या टेलीपोर्टेशन, ये क्या ये फेल हो चुका है। तो वो जो बंदा होता है वो कह रहा होता है वेट रुको मुझे एक नोटिफिकेशन मिली है और ये कमांडर का मैसेज है। तो लीजी उसे कहता है आखिरकार कुछ खबर है तो बताओ अभी क्या चल रहा है। वो बंदा उसे कहता है डिमोनिक बीस्ट का कमांडर पहले ही ईस्ट सी सिटी में आ चुका है, बात सिर्फ इतनी है कि टेलीपोर्ट प्लेस के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है इसलिए उन्होंने मीटिंग के लिए एक नया लोकेशन चूज किया है। तो लीजी उसे कह रहा होता है क्या नया मीटिंग पॉइंट, जिया तुम अल्टरनेट रियल से आने वाले कुछ गेस्ट को स्वागत करने के लिए अपने साथ कुछ लोगों को लाओ। तो जिया उसे कह रहा होता है ये टास्क मैं इस पोजीशन में रह के इस टास्क के लिए सूटेबल नहीं हूँ, क्यों मैंने सही कहा ना, और लेडी आयर की सेवा करना ये एक मौका है जिसे पाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो लीजी उसे कह रहा होता है निमोनिक बीस्ट के कमांडर की सेवा करने का मौका पाने के लिए मैंने एक बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन जब ट्रेवर्स स्टोन की सिचुएशन के कंपैरिजन में ये उतना भी ज्यादा नहीं है, शायद मुझे इसकी जांच करनी चाहिए कि टेलीपोर्टेशन के साथ क्या गलत हुआ है और वापस जाके कंसोर्टियम को रिपोर्ट करना चाहिए। जिया तुम मेरे सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट हो और ये मिशन लेडी आयर की सेवा में है, और अगर इस मिशन को मैं तुम तक पहुंचाता हूं तो मुझे और भी ज्यादा आराम मिलेगा। और फिर कुछ समय बाद एक ब्रिज के पास हम जिया को देखते हैं जो कि अपने साथियों से कह रहा होता है ये एक फाइनल रिमाइंडर है, हमारे पृथ्वी पर आए हुए सारे के सारे डिमोनिक बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो काफी ज्यादा क्रूअल प्राणी है, हालांकि वो इंसानों की तरह लगते हैं लेकिन उनके साथ नॉर्मल इंसानों जैसा बिहेव नहीं किया जाना चाहिए, वो काफी ज्यादा रूथलेस और वेंजफुल जैसे नेचर के हैं। पहले हमारे पास एक डिमोनिक बीस्ट था जिसने सिटी का दौरा किया और दुनिया की परवाह किए बिना सैकड़ों लोगों को मार दिया, और ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे रात को खाने के लिए खून के साथ ताजा मांस नहीं मिला। तो अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें हर समय एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड को मेंटेन करना होगा, जो कि सुनते वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं रिलैक्स चीफ जिया हम समझ गए। तो उनमें से एक बंदा कह रहा होता है आखिर इस डिमोनिक बीस्ट को ऑफेंड करने का हिम्मत कौन करेगा, मैं तो अभी भी जीना चाहता हूँ और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, लेकिन हम ऐसे क्रूर बीस्ट के लिए काम करने के लिए ऐसे पाप कर रहे हैं लेकिन क्यों। तभी वहाँ पे आए रहती हुई कह रही होती है क्या रूथलेस क्रीचर आखिर तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। तो जिया कह रहा होता है हे तुम लोग मैंने तुम लोगों को इस एरिया को क्लियर करने के लिए नहीं कहा था, आखिर ये छोटी सी लड़की यहाँ पे क्या कर रही है और ये यहाँ पे कैसे घुस गई, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आता कि मैंने क्या कहा, तुम सब इडियट हो। और ये कहते वो आयरे से कह रही होती है हे छोटी सी बच्ची इतनी रात को तुम्हारा यहाँ पे रहना ये खतरनाक हो सकता है तो जाओ अपने घर वहाँ पे जाओ। तभी आयरे कह रही होती है हे क्या तुम लोग ली कंसोर्टियम के लोग हो तो स्वागत नहीं करोगे हमारा, क्या तुम लोग ये चाहते हो कि मैं वापस चले जाऊँ। ये देखती जिया काफी ज्यादा रन होता है और कहता है क्या लेडी आयर क्या ये आप है, इसी के साथ सभी के सभी वहाँ पे झुक जाते हैं और कहते हैं हम ईमानदारी से माफी मांगते हैं हम आपको पहचान नहीं पाए प्लीज हमें माफ कर दीजिए माय लेडी। तो आयरे कह रही होती है चिंता करने की कोई बात नहीं है मुझे तुम लोगों से कुछ अजीब सी पावर महसूस हो रही है और ये कल्टीवेटर से अलग है, क्या तुम लोग शायद बाउंटी हंटर हो है ना, क्या तुम्हारे साथ और भी बाउंटी हंटर है उन सबको यहाँ से बाहर निकालो। तो जिया कह रही होती है इसके बारे में आप कैसे जानते हैं कि हम लोग बाउंटी हंटर है, लेकिन हम हाई रैंक के हंटर है और सभी को इम्पोर्टेंट मिशन पूरा करना है और करंटली जो यहाँ पे अवेलेबल है सिर्फ वही है बाकी कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं है। तो आयरे कह रही होती है जो भी हो ये नंबर्स काफी होने चाहिए, और वो मनीमन कह रही होती है उन दोनों कल्टीवेटर्स चूमो और यूतों को मारने के लिए इतने ज्यादा मैन पावर के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी तरफ जो जिया होता है वो मनीमन कह रहा होता है क्या ये नंबर्स काफी है, क्या तुम हमें एपेटाइजर के रूप में खाने का प्लान कर रहे हो, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, फॉर्चुनेटली उसके पास हमें मारने के लिए कोई भी रीजन नहीं है वो हमें मार नहीं सकती, लेकिन ये भी तो डिमोनिक बीस्ट है क्या ये हमको मार डालेगी। और वो उसे कह रहा होता है लेडी आयर हम एक इम्पोर्टेंट मिशन के साथ ईस्ट सी सिटी में आए हैं, और वायरस से कह रहा होता है एक कल्टीवेटर है जो कि सीक्रेट रियल से 1000 ईयर डिमोनिक बीस्ट के बराबर पावर को हासिल कर ली है, और अगर हम उसे आजाद घूमने दे तो वो हमारे सीक्रेट रियल के सारे मिशन को पूरा करने से रोक सकता है और हमारे प्लान को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो रियल रियल में काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ईमानदारी से कहो तो सिर्फ हमारे साथ उससे लड़ना ये काफी ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन अगर हम आपको अपने साथ ले जाए और अगर आप हमारी मदद करें तो मुझे यकीन है कि हम उसे खत्म कर सकते हैं। तो वायरस से कह रही होती है में अगर ऐसे पावरफुल कल्टीवेटर को जिंदा रखा गया तो ये हमारे दोनों रियल के लिए मुसीबत का काम करेगा, चिंता मत करो मैं बाद में पर्सनली उसे निपट लूंगी। और वो मनमन कह रही होती है मेरे पावर का रेस्ट्रिक्टेड होने का रीजन ये जरूर उस कल्टीवेटर चूमो से जुड़ा हुआ होगा, और जब बाद में ये कुछ बाउंटी हंटर चूमो से निपटेंगे तब मैं अपनी ताकत फिर से हासिल कर पाऊंगी और पृथ्वी पर कोई भी मेरे लिए परेशानी नहीं बनेगा। तभी जिया उसे कह रहा होता है लेडी आयर हम आपकी मदद के लिए आपको थैंक यू देने के लिए
ली कंसोर्टियम के साथ कॉर्पोरेशन करने देना चाहता है। तो एरिस से कह रही होती है, थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सौपे के मिशन को पूरा करने का ट्राई कर रही हूँ। मुझे उस कल्टीवेटर के बारे में सब कुछ बताओ जो तुम चाहते हो कि मैं उसे खत्म कर दूँ। तो उसमें से एक बंदा कह रहा होता है, उसका नाम चूमो है और इस टैब में उसकी सारी जानकारी है। ये कहते वो उस टैब को जिया को दे देता है। ये सुनते आहिरे काफी ज्यादा रन होती है और कहती है, क्या चूमो? ये कहती वो अपनी उंगली को दिखाती है और कहती है, क्या तुम लोग इस चूमो की बात कर रहे हो? क्या वो इस तरह दिखता है? और ये कहते वो चूमो की तरफ इशारा करती है। एंड ये देखते वो वहाँ से भाग लगती है और कह रही होती, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। जो की देखती जिया काफी ज्यादा रन होता है और कहता है, क्या लेडी आहिरे आप ये क्या कर रही है? वो उसे देखते हुए कह रहा होता है, डिमोनिक बीस्ट के कमांडर होने के रूप में जैसे कि एक्सपेक्टेड था, ऐसे पावरफुल कल्टीवेटर का सामना होने पर भी उसने बिना किसी डर के अपना काम करने का फैसला किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आहिरे चूमो के पास आते उसे कहती है, मास्टर ये कंसोर्टियम के कुत्ते, मैं उन सभी को यहाँ पे लेके आई हूँ। तभी चूमो को एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि आहिरे की अफेक्शन यूजर के लिए इंक्रीज होकर 5+ बढ़ चुकी है। ये देखते ही चूमो मन में कह रहा होता है, इसका अफेक्शन मीटर ये क्यों बढ़ गया और उसके लिए मुझे 2 रिवॉर्ड मिले? क्या अफेक्शन के 5 पॉइंट सचमुच इतने ज्यादा होते हैं? ये कहते उसकी स्टेटस चेक करता है। तभी आहिरे उसे कह रही होती, मास्टर मैंने जांच कर ली है, वे हंटर सिर्फ झाड़ियों के गुच्छा है। मास्टर आप जरूर उनसे निपट सकते हैं और मैं सच में आप पे यकीन करूंगी। ये कहते हुए एक फेक स्माइल दे रही होती है और मनमन कह रही होती है, ये तो बहुत परेशानी भरा है, वो इतना पावरफुल कैसे है? ऐसा लगता है कि फिलहाल चूमो से निपटा नहीं जा सकता, लेकिन मैं हार नहीं मान सकती, अगली बार मैं जरूर किसी भी हालत में उसे मार डालूंगी। तभी चूमो को एक आवाज सुनाई देती है जो कि देखते वो काफी ज्यादा रन होता है और मनमन कहता है, क्या ये कैसी आवाज है? क्या ये आहिरे की इनर वॉइस है? तो क्या ये कोई बॉन्ड फ्यूचर है? मुझे इसकी मन की आवाज सुनाई दे रही है। डैमेज शेयरिंग फ्यूचर यूज करने पे ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, अगर मैं आहिरे की अफेक्शन को इम्प्रूव करूँ तो शायद मुझे कोई बेटर रिवॉर्ड मिल सकता है। और वो उसे कह रहा होता है, ये देखते हुए कि तुमने अच्छा काम किया तो मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। ये सुनते आहिरे काफी ज्यादा रन होती है। वो उसे कह रही होती, मैं इतनी प्यारी स्नो फेरेंट हूँ तो तुम मुझे क्यों मारना चाहोगे? एंड ये देखते हैं वहाँ के जो जितने भी सारे हंटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा रन होते हैं। वो लोग कह रहे होते, क्या मैंने भी क्या सुना? क्या वो माइटी डिमोनिक बीस्ट अभी चूमो को मास्टर कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या ये चूमो एक कल्टीवेटर है? आखिर ये इस डिमोनिक बीस्ट से कैसे रिश्ता रखता है? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, इस तरह का स्ट्रॉन्ग डिमोनिक बीस्ट आखिर उसके सामने एक पेट की तरह बिहेव क्यों कर रहा है? क्या वो किसी अल्टरनेट रियल का एक बड़ा हस्ती है? तो दूसरा बंदा घबराते हुए कह रहा होता है, ये सब कुछ खत्म हो गया, हमने यहाँ तक कहा था कि हम उसे जोर से मारने जा रहे हैं, लेकिन हम तो पागल निकले, लगता है हम मरने वाले हैं। उसकी बहुत ही ज्यादा फट रही होती है, वो कांपते हुए कहता है, हमने अल्टरनेट रियल से एक बड़ी हस्ती को ऑफ इन किया है, क्या हम लोग जिंदा वापस जा भी सकते हैं या नहीं? अब लगता है हम लोग यहीं पर मरने वाले हैं। तो जिया कह रहा होता है, लॉर्ड चूमो हमें बहुत ही ज्यादा अफसोस है, हमें पहले आपकी पहचान के बारे में नहीं पता था, आपको मारने का प्लान 2 रियल के जरिए सेट था, शायद ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। और आहिरे से कह रही होती है, लेडी आहिरे लॉर्ड चूमो की रियल आइडेंटिटी क्या है? तो आहिरे से चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम लोग शांत हो जाओ, तुम लोग सिर्फ छोटे सेंटर्स के ग्रुप हो, तुम्हारे पास मेरे मास्टर की आइडेंटिटी जानने का क्वालिफिकेशन नहीं है, और इससे भी बुरी बात यह है कि तुम लोग मुझे मेरे मास्टर को मारने के लिए मुझे अपने ग्रुप में लेना चाहते थे, तुम लोग ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे करते हो? और इसे तो बिल्कुल भी भूला नहीं जा सकता, चलो उसके सामने घुटने टेको, तुम सभी के ऊपर ध्यान दिखाने के लिए मेरे मास्टर को थैंक यू कहो। जो कि सुनते ही सभी चूमो के सामने घुटने टेक देते हैं। जहाँ पे जिया मन में कह रहा होता है, क्या मुझे जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, ये सिर्फ आत्महत्या है, या फिर मुझे इसकी वजह यहाँ से भाग जाना चाहिए? अगर मैं भाग जाऊँ तो मैं इन 2 डिमोनिक बीस्ट के लिए सिर्फ एक मजाक बनूंगा, अब हम बस इंतजार कर सकते हैं, अब जो फैसला इस इंसान के कपड़े पहनने वाले डिमोनिक बीस्ट का होगा हम उसी के रूप में चल सकते हैं। और एनालिस के बेस पे स्ट्रेंजर के मुकाबले चूमो ज्यादा काइंड है, और अगर हम इसके सामने मॉडेस्ट और हम्बल बने रहेंगे तो ये शायद हमें छोड़ देगा। तभी आहिरे चूमो से कह रही होती है, मास्टर इन्हें देखते हुए लगता है कि ये हंटर्स माफी के मामले में काफी ज्यादा ईमानदार है, शायद हमें उनकी सजा कम कर देनी चाहिए। तो चूमो कह रहा होता है, क्या सचमुच? मैंने ये सोचा था कि शायद वो मेरे अगेंस्ट फाइट करेंगे, और जबकि उन्होंने माफी मांग ली है तो चलो उन्हें माफ कर देते हैं। ये देखते जिया उससे कह रहा होता है, लॉर्ड चूमो हम सच में आपके लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल है, थैंक यू। और वो मन में कह रहा होता है, थैंक गॉड हम सच में जिंदा रहेंगे। तभी आयरन लोगों से कह रही होती है, तुम लोग काफी ज्यादा भाग्यशाली हो कि मेरे मास्टर इतने ज्यादा काइंड इंसान है। और वो मन में कह रही होती है, ये हंटर्स कमांडर के रूप में मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं और सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें मरना ही होगा। और वह कह रही होती है, हमारे रूल के अकॉर्डिंग सुपीरियर को ऑफेंड करने वाले को पूरे 3 दिनों तक पूछताछ से गुजरना होगा और फिर उन्हें जलाकर मार दिया जाएगा, लेकिन चूंकि मेरे मालिक ने तुम सबको मार दिया है तो तुम लोगों के पास सिर्फ मौत के लिए एक दर्दनाक चॉइस है। तो बताओ तुम लोग मरना पसंद करोगे या फिर खाना बनना पसंद करोगे? जो कि देखते जिया काफी ज्यादा घबराता है, वो मन मन कह रहा होता है, खाने के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि मरना ये अच्छा चॉइस होगा। तभी चूमो आहिरे को उठाते हुए कह रही होती है, क्या तुम कब से कमांड देने लगे? मैं तो तुम्हें ये हक नहीं दिया है। और उन सभी लोगों से कह रहा होता है, तुम लोगों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है,
मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ, कोई डिमोनिक बीस्ट नहीं, और जरूर मैं दूसरे इंसानों को नहीं खाता। वैसे भी तुम लोग बस अपने मिशन को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, मैं समझता हूँ। तो तुम्हें बस मेरे जरिए कुछ पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना होगा, तभी मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। पहला सवाल यह है कि तुम लोगों को मुझे मारने के लिए किसने भेजा? ये सुनते जिया मनीवन कह रहा होता है, क्या क्वेश्चन इतना ज्यादा सरल है? इस क्वेश्चन से छुटकारा पाने के लिए मुझे बस एक नाम बनाना है। मुझे यंग मास्टर ली जियो को धोखा देने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन रुको, शायद ये कोई ट्रैप है। डिमोनिक बीच के कमांडर ये आए रहे हैं, और वो बिल्कुल जानती है कि हम ली कंसोर्टियम से बिलोंग करते हैं। वो जरूरी से चुमो से नहीं छिपाएगी, और चुमो को भी पहले से पता होगा कि हम यंग मास्टर ली जियो के सबोर्डिनेट है। शायद उसने जानबूझकर हमें टेस्ट लेने के लिए ऐसा किया ताकि वो जस्टिस करके हमें मार सके। लेकिन अगर हम यंग मास्टर ली जियो का नाम लेते हैं तो इसका मतलब हम डिसलॉयल और मरने के लायक होंगे, और अगर हमने ये नहीं कहा तो इसका मतलब ये होगा कि हमने उसे झूठ बोला और हम फिर मर जाएंगे। और मुझे अपने गार्ड्स को नीचा दिखाने के लिए उसने जानबूझकर यह तक कहा कि वो सिर्फ नॉर्मल सा एक इंसान है, जैसे कि किसी एक ऐसे इंसान से एक्सपेक्ट की जाती है जो कि अल्टरनेट रियलम से इतनी बड़ी हस्ती है। उसकी कॉम्बैट एबिलिटी और प्लान्स ये टॉप लेवल पे होगी। चूमो सच में एक भयानक इंसान है जो कि हमारे कल्पनाओं से भी बाहर है। तभी चूमो उन लोगों से कह रहा होता है, मेरे पेशेंस की एक लिमिट है, अगर तुम लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते तो तुम लोगों को मरना होगा। तभी जिया वो झुकते हुए कह रहा होता है, रुको रुको रुको, मैं आंसर देता हूँ। और वो मन में कह रहा होता है, मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। तभी वो खांसने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसी के साथ साथ वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हम लीजियो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, आखिर ये क्या चल रहा है? क्या एक्चुअली में चूमो डिमोनिक बीच कमांडर का मास्टर है? तो मतलब उसका सेवियर होना बस ये एक एक्टिंग है, बल्कि इसकी वजह वो सच में अल्टरनेट रियलम की एक बड़ी हस्ती है। और ये कहते हैं वो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा होता है, सीक्रेट रियलम को ट्रिक करते हुए रैंकिंग नंबर 1 पे आना। शायद ये कोई डिमोनिक बीच की दूसरी स्कीम हो सकती है। और इससे भी बदतर यह है कि चूमो सच में एक कल्टीवेटर है, लेकिन वो हमारे उम्मीद से भी कई ज्यादा पावरफुल है। ट्रैवर्सिंग स्टोन को खत्म करने के अलावा उसने डिमोनिक बीच के कमांडर को भी हमें बिट्रे करने के लिए मजबूर कर दिया, इसकी परवाह किए बिना कि उसकी पहचान ये सच में है क्या। हमने अभी भी उसे नाराज किया और अब हमारे लीकल जोडियम ये बहुत ही खतरे में है। लकीली मैंने उन हंटर्स के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स को एक्टिवेट कर दिया जिससे कि वो मारे गए, और उन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, जिससे कि हमें कुछ टाइम मिला, हमें जल्दी कुछ करना होगा। लिहान लिंग वो हरामी, उसे किसी ऐसे बीस्ट के साथ खिलवाड़ करना पड़ा जो कि हर दिन कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे लिहान आते हुए कह रहा होता है, ब्रदर क्या तुम अभी मेरा नाम ले रहे थे? मुझे खुश हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना याद करोगे। ये कहते हुए वहाँ पे आ जाता है जो कि देखते ही लीजियो काफी ज्यादा रन होता है। वो उसे कह रहा था, लिहान तुम आखिर यहाँ पे कैसे हो? ये कहते हुए अपनी सिक्योरिटी को बुला रहा होता है। तो लिहान उसे कह रहा होता है, क्या आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम शायद इसलिए अनसेफ मैसेज कर रहे हो क्योंकि यहाँ तुम्हें रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है? तुम अपने सारे खतरनाक काम और अपने गंदे काम अपने आदमियों पर छोड़ देते हो, और तुम सेफ जगह में छिप जाते हो और सीसीटीवी कैमरे के जरिए से पूरे शो को देखते हो, और अभी तुम्हें मुझे हराने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। तुम तो सच में काफी ज्यादा कमजोर हो, जैसे कि ली कंसोर्टियम के सक्सेस के जरिए एक्सपेक्टेड था। तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। तो लीजियो उसे कह रहा होता है, क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि मुझे अपना काम कैसे करना है? मैं देख सकता हूँ कि तुम कुछ भी नहीं जानते मेरे छोटे पागल भाई। अगर मैं ये सब नहीं संभालता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब तक एक लापरवाह और एक बेकार सिंगिंग मास्टर की जिंदगी जी पाते? तो लियानो से कहता है, ओ तो क्या ऐसा है? तो फिर मुझे बताओ मेरे अमेजिंग ब्रदर, तुम निमोनिक बीच के कमांडर के साथ ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? एक गलत स्टेप और पूरा का पूरा ली कंसोर्टियम तुम्हारे हाथों के जरिए खत्म हो जाएगा। एक बड़ी जिम्मेदारी जिसे कि तुम निभा रहे हो। सुनते ही लीज उससे कह रहा होता है, क्या तुम निमोनिक बीच के कमांडर के बारे में कैसे जानते हो? ये बड़ी बिल्डिंग कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके बारे में तुम्हारे लेवल के इंसान को पता होना चाहिए। तुमने मुझे कैसे ढूंढा और मेरी सिक्योरिटी वो कहाँ पे है? तो उसे देखते हुए लियान कह रहा होता है, तुम गचरे, क्या तुम प्लान बनाने जा रहे हो? और वो देखता है कि लीजियो वो अपना गन निकालने जा रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी गन नहीं मिलती। तभी लियान हंसते हुए उससे कह रहा होता है, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? ये कहते वो उस गन को निकालता है। वो उससे कहता है, आई होप कि तुम इस गन का यूज अपने छोटे भाई पर करने का प्लान नहीं बना रहे थे, ये काफी ज्यादा सैड होगा। तो मुझे बताओ कि कितने डिमोनिक बीस्ट इस पृथ्वी पर गुजारे हैं और तुम्हारा टारगेट क्या है? तो लीज उससे कह रहा होता है, ये तुम हो, क्या तुम वो इंसान हो जो की शैडो से हमारे प्लान को बर्बाद कर रहा है? हर कोई सोचता है कि तुम एक बेकार से टुकड़े हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम अपने फैमिली को धोखा देना चाहते हो? आखिर तुम अपने ही खून के लोगों को धोखा देने का प्लान क्यों बना रहे हो? लिहान क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? तो लियान उसे कह रहा होता है, मेरे पेशेंट को चैलेंज मत करो, तुम चाहे कितना भी टाइम खरीद लो तुम्हारे बॉडीगार्ड यहाँ पे नहीं आएंगे। मुझे आंसर दो, अर्थ पर डिमोनिक बीस्ट के घुसपैठ करने के पीछे का पर्पस क्या है? अगर तुम मुझे आंसर नहीं देते तो तुम्हें मरना होगा, तो फैसला तुम्हारा है। ये कहते उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। तो लीजियो से कह रहा होता है, रुको रुको रुको, मैं इसके पीछे वाला नहीं हूँ, मैं खुद इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं इस कंसोर्टियम अलायंस का सिर्फ एक मोहरा हूँ, और मैंने ये सब हमारे ली कंसोर्टियम के भलाई के लिए किया, लेकिन मैं तुम्हें ट्रैवर्स स्टोन का जगह बता सकता हूँ। तो लियान उससे कह रहा होता है, क्या बस इतना ही?
ऐसा लगता है कि तुम अब यूजफुल नहीं हो। मुझे ट्रेवल स्टोन का पहले से पता था और जब मैं इसे हाथ में ले लूंगा तब मेरे पास तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए टाइम होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम्हें मरना होगा। ये सुनते लीजो कह रहा था, रुको, लियान तुम ऐसे नहीं कर सकते, हम एक्चुअली एक परिवार है। हालांकि हम अलग अलग माउस है लेकिन फिर भी तुम मेरे भाई हो। तो लियान उसे कह रहा था, फैमिली तो क्या हो गया, तुम लोगों के इस गंदे प्लान को रोकने के लिए मैंने अपने साथियों यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी सैक्रिफाइस कर दिया। उनके सैक्रिफाइस से उन्हें ना तो सम्मान मिला और ना ही पछताप, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे मौत से कंसोर्टियम और चूमो के बीच एक चौतरफा फाइट होगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन दुखी मत हो, मैं ये श्योर करता हूँ कि वे सभी पुराने कमीने जो कि लालच में अंधे हो गए हैं, वे सभी मारे जाएंगे। और ये कहते ही वो उसे मार डालता है। तभी वो जियाजो को कॉल करता है और कह रहा होता है, जियाजो मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया, लीजियो वो मर चुका है, तो प्लान में कुछ चेंजेस हुए हैं, तुम्हें चूमो के कॉन्टेक्ट में नहीं आना है, तुम्हें सीधे वहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये सुनते ही जो कह रहा होता है, तुमने लीशियो को मार डाला तो क्या तुमने ये नहीं कहा था कि अगर उसे जिंदा रखा जाए तो ये और भी यूजफुल होगा, और इस प्लान में चेंजेस का मतलब क्या है। तो लियानो से कह रहा होता है, नहीं, लीजो के मन से एक बड़ा पर्पस पूरा होगा। चूमो की स्ट्रेंथ ये अनइमेजिनेबल है, वो डिमोनिक बीच का कमांडर है, चाहे वो अल्टरनेट रियल का एक बड़ा इंसान हो या नहीं, वो अभी भी एक मोस्ट पावरफुल कल्टीवेटर है। और अगर हम अभी उसके कांटेक्ट में आए तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा, तुम मर भी सकते हो। लीजियो के इस सिटी में आने का रीजन कमांडर का स्वागत करने के अलावा चूमो को मारना था। और अब जब ट्रेवल स्टोन चला गया तो लीजियो मर चुका है, इससे सारी की सारी नफरत चूमो पर फोकस होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चूमो की आइडेंटिटी क्या है, अगर कंसोर्टियम और चूमो के बीच कुछ भी होता है तो इसका रिजल्ट हमारे लिए अच्छा होगा। तो जो कह रहा होता है, ये कितना ज्यादा बेकार सा कदम है। ये शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या चूमो ने हमारी रक्षा के लिए डीमोनिक बीस्ट के कमांडर को अपने सामने सरेंडर करवाया था। अगर यह सच में अल्टरनेट रियलम का एक बड़ा हस्ती है तो मैं चूमो और डीमोनिक बीस्ट के कमांडर को दोनों को ही एक ही मौके पर मार डालूंगा। ये सुनते लियान काफी ज्यादा रन होता है और उसे कहता है, नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम सीरियस हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम चूमो को हरा पाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चूमो और वो डीमोनिक बीस्ट का कमांडर वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम उसे हरा नहीं पाओगे। तभी वो उसके कॉल को काट देता है। देखता है चूमो से कह रही होती है, मास्टर ये सारे के सारे हंटर्स तो मर चुके हैं, तुम चाहते हो कि मैं उनके बॉडी को ढूंढूं और कुछ ऐसी जगह ढूंढूं जो कि बाकी में यूजफुल हो। तो चूमो कह रहा होता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है आयरे, लगता है यहाँ पे कोई आ रहा है। तभी वहाँ पे जो आते हुए कह रहा होता है, चूमो ये पहली बार है जब हम एक दूसरे से मिले, मैं जियाजो हूँ। और इसमें यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि कल्टीवेटर्स के यंग जनरेशन के बीच तुम जैसा एक पावरफुल इंसान मौजूद है। थोड़ी ही देर पर मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारी प्रेजेंट ताकत उस समय से अलग नहीं है जब तुम उस सीक्रेट रियल में थे। तो चूमो से कह रहा होता है, तुम कमजोर नहीं लगते लेकिन तुम उतने पावरफुल भी नहीं लगते। तो चूमो उसकी तरफ देखते हुए कह रहा होता है, अजीब बात तो यह है कि मुझे तुमसे खतरा महसूस हो रहा है, तुम उस सीक्रेट रियल के पप्पी से भी काफी ज्यादा तेज हो, क्या तुम उस कंसोर्टियम से हो और क्या तुम मुझे मारने के लिए आए हो। तो जो उसे कह रहा होते, नहीं ये बिल्कुल उल्टा है, मैं कल्टीवेटर हूँ, कंसोर्टियम और डीमोनिक बीस्ट दोनों ही मेरे दुश्मन हैं, और अगर तुम मेरे दुश्मन हो तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। तुम्हारे बगल में मौजूद ये छोटी सी लड़की ये अल्टरनेट रियलम से आई हुई डीमोनिक बीस्ट की कमांडर है, और वो तुम्हें अपना मास्टर क्यों कह रही है। चूमो आखिर तुम सच में कौन हो और तुम इस डीमोनिक बीस्ट के साथ क्या कर रहे हो। तो चूमो उससे कह रहा होता है, क्या तुम आयरे के बारे में बात कर रहे हो, वो आज मेरे कमरे में आई थी और मेरी पेट बन गई, और जहाँ तक मेरी बात है मैं एक नॉर्मल सा लड़का हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो मैं अपना सेल्फ डिफेंस से मैं लड़ूंगा। तो जो उसे कह रहा होता है, पृथ्वी पर घुसपैठ करने वाले डीमोनिक बीस्ट का कमांडर किसी भी तरह तुम्हारे रूम पे पहुंचता है और वो तुम्हारा पेट कैसे बन जाता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ऐसी बकवास पे यकीन करूंगा, बिल्कुल नहीं। और वो मन में कह रहा होता है, मैं डीमोनिक बीस्ट से कुछ भी महसूस नहीं कर सकता और चूमो की ताकत 1000 ईयर ओल्ड बीस्ट की ताकत जैसी लगती है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अभी अभी पृथ्वी पर आया है, वो अभी कमजोर स्टेट पे है और ये सबसे बेस्ट चांस है उससे छुटकारा पाने का। चूमो से कह रहा होता है, क्या तुम सस्पिशियस नहीं हो, जैसे मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था ये सारे के सारे हंटर अचानक मर गए और ठीक उसके बाद तुम यहाँ पे अपीयर हुए, मेरे लिए ये यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि क्या तुम उनसे जुड़े हुए हो या नहीं, और चूंकि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए भी नहीं है। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो ठीक है आओ, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं घर वापस जा रहा हूँ। तो जहाँ से कह रहे होते, मुझे माफ करना, सचमुच तुमने जो कहा वो सेंस बनाता है, मैं अभी अभी इम्पल्सिवली एक्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि ये पृथ्वी के एग्जिस्टेंस के बारे में मैटर है। तो चलो एक पल के लिए एक दूसरे के लिए शक को हटा के ईमानदारी से बातचीत करें। कैसे डीमोनिक बीस्ट ने पृथ्वी पर घुसपैठ कर ली है और वो कल्ट के साथ मिलीभगत कर रहे हैं जो कि हमारी दुनिया के लिए एक बड़ी खतरा है, क्योंकि तुमने डीमोनिक बीस्ट के कमांडर को वश में कर लिया है।
है। तो क्या तुम इस अटैक के पीछे का वजह जानते हो? ये सुनते ही चूमो कह रहा होता है, ठीक है अब मैं समझ गया। ये कहते वो आयरे से कह रहा होता है, आयरे तुम लोगों का अर्थ पे आने का वजह क्या है? जो कि सुनते वो शांत होते हुए कह रही होती है, मास्टर मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। जो कि सुनते जो गुस्सा होते हुए कह रहा होता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? चूमो इस डेमोनिक बीस्ट को मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। तो चूमो कह रहा होता है, उसने जो कहा वो सच है, हालांकि अजीब लग सकता है, मेरे पास ये पहचानने का एक तरीका है कि मेरा पेट बीस्ट झूठ बोल रहा है या नहीं। तो जो उससे कह रहा होता है, क्या तुम इस डेमोनिक बीस्ट की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हो? डिमोनिक बीस्ट हमारे जैसे इंसान के लिए एक कट्टर दुश्मन है, वो हम जैसे कभी भी नहीं हो सकते। क्या तुम सच में यकीन करते हो कि डिमोनिक बीस्ट के कमांडर को ये नहीं पता होगा कि उसे क्या काम करने के लिए सौंपा गया है? तो आयरे चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे मुझे ऐसे नीचे देखना बंद करो, आखिरकार मैं अभी भी एक डिमोनिक बीस्ट की कमांडर हूँ, और जब मैंने कहा था तो ऑफ कोर्स मेरा मतलब वही था। मैं इस अर्थ पर आई क्योंकि कंसोर्टियम के साथ बातचीत करने के लिए एक पावरफुल डिमोनिक बीस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और मिशन की रिकॉर्डिंग मुझे इस बात की जरा से भी परवाह नहीं है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। और वैसे हकीकत तो यह है कि आयरे एक इंफीरियर रेस से आती है जिसे हायर डिमोन बीस्ट के जरिए जोर दिया गया, और इसलिए उसे सारे के सारे जानकारियों से अनजान रखा। आयरे का सेल्फ रिस्पेक्ट उसे कल्टीवेशन करने वाले के सामने कमजोर नहीं दिखने देता। तभी चुमो से कह रहा होता है, उसने जो कहा मुझे उस पे यकीन है। तो जो उन पर अटैक करते हुए कहता है, तब मेरा मानना यह है कि हमारे पास बातचीत करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कहते ही वो चुमो पे अटैक करता है, लेकिन चुमो उसे डॉज कर लेता है। वो उसे कहता है, अरे तुम हम पर हमला क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारे मोलस वो कहाँ चले गए? क्या तुम अपने आप को कल्टीवेटर्स कहते हो? ये तो बेकार है। तो जो उसे कह रहा होता है, मेरा टारगेट वो डिमोनिक बीस्ट है, और इस डिमोनिक बीस्ट के खिलाफ मोरल की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं जानता, तो फिर इसे मार ही क्यों ना दे? इसके जिंदा रहने से हमें फ्यूचर में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो चुमो उसे कह रहा होता है, मैं इसे मना कर रहा हूँ, मैंने आयरे से वादा किया जब तक कि वो मेरी मदद करेगी मैं उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा, भले ही वो एक डिमोनिक बीस्ट क्यों ना हो, मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। जो सुनने के बाद आयरे थोड़ी हैरान होती है, वो कह रही होती है, चूमो मास्टर सोचो कोई इंसान इतना दयालु कैसे हो सकता है? और इसी की वजह से आयरे की अफेक्शन 5+ और हो जाती है, जो कि देखते चूमो मनीमन कह रहा होता है, अफेक्शन और बढ़ गया, लेकिन अगर मैं अभी मर गया तो तुम काफी ज्यादा खुश होगे। आयरे वो खुशी से नाच रही होती है, जो कि देखते ही चूमो मनीमन कह रहा होता है, क्या इसकी वजह मुझे इसे मार देना चाहिए? ये काफी ज्यादा एनोइंग है। दूसरी तरफ जो कह रहा होता है, जबकि तुमने इस डिमोनिक बीस्ट को प्रोटेक्ट करना चुना तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये कहते ही वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। चूमो से कह रहा होता है, वाकई में ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये दो अलग अलग एटीट्यूड की ताकत को जोड़ता है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा है, तुम अपने आप में ही काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। तो जो उससे कह रहा होता है, जैसे कि एक्सपेक्टेड था, मैं इस तरह के नॉर्मल हरकतों से तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसके वजह तुम्हें इसका स्वाद लेना चाहिए। ये कहते वो अपनी द फाइव पाथ ऑफ केओस फेयरी लोटस का यूज करता है, और वो मनीमन कह रहा होता है, द फाइव पाथ ऑफ चेओस ये एक फॉरबिडन टेक्निक है जिसका हर एक अटैक जिस पर भी लगता है उसका स्ट्रेंथ पागल हो जाता है, और आखिर में जाके उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है और वो मारा जाता है। फेसिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि अंदर से तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, और प्रोबेबली तुम इससे बिल्कुल भी नहीं निपट सकते चाहे तुम कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो। वो उसे कह रहा होता है, चूमो अब हमारी लड़ाई सचमुच शुरू हो गई है, और इसी के साथ दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं, जो कि देखने के बाद आयरे काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। वो कह रही होती है, आखिरकार ये लड़ रहे हैं, आखिरकार एक कल्टीवेटर आ गया जो कि चूमो के बराबर है, इससे कि वो दोनों सीरियसली काफी ज्यादा खेल हो जाएंगे, शायद इससे बेहतर अगर वो दोनों मर जाए तो ये और भी अच्छा होगा, फिर मैं यहाँ से सेफली जा सकती हूँ। तभी उसे सिस्टम की एक नोटिफिकेशन आती है जहाँ पे बताया जाता है कि होस्ट पर अनोन पावर के जरिए हमला किया गया है, तो इसके जो डैमेज है ये ट्रांसफर किया जा रहा है, और इसका जो अटैक होता है वो आयरे में ट्रांसफर हो जाता है, जो कि देखते वो काफी ज्यादा रन होती है, उसके मुँह से खून निकलने लगता है। वो कह रही होती है, आखिर ये क्या चल रहा है, लड़ तो ये दोनों रहे हैं और खून की उल्टियाँ मैं क्यों कर रही हूँ, ये तो कितना ज्यादा बेकार है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।